नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ यहाँ पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। रूपा जी, सबसे पहले बात करूँगा अगर कृषि फसलों में कैसे की, तो क्या स्लिक में देख रहे हैं कि रेंज बाउंड देखने को मिल रही है, 5900 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है आज भी हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन में। आपको क्या लगता है कैस्टर में ये वाला ट्रेंड कब तक देखने को मिलता रहेगा? देखिए, कैस्टर में अभी जो है ये ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यूशन में रह सकता है। साइडवेज मोमेंटम अभी फिलहाल लंबे अरसे से हमें देखने को मिल रहा है, और जो नीचे डाउनसाइड आया था उसके बाद से एक रिकवरी जरूर बनी थी, और वो रिकवरी अभी 5900 के आसपास ही सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। जब तक 6000 के ऊपर तेजी नहीं आती तब तक सस्टेन नहीं होता, तब तक बाजार ऐसे ही घूमता रहेगा 5800 से लेकर 6000 के बीच में। और अभी फिलहाल आज इंटरडे में एक्सपेक्टेड है कि 5960 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करेंगे बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि 3400 का लेवल टच करने के बाद 3300 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन 3300 वाले जो लेवल्स थे पहले के मुकाबले थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं जनवरी व्यादा बिनौला खल के 3315 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि धीरे धीरे बिनौला खल में जो करेक्शन है वो बढ़ती ही जा रही है, 3300 पर आ चुकी है, 3315 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है बिनौला खल का जनवरी व्यादा इस वक्त। फरवरी वायदा की बात करें तो फरवरी वायदा भी लगभग इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल अभी 3300 से भी नीचे लुढ़क सकता है, क्या करेक्शन थोड़ी हावी हो सकती है? देखिए, करेक्शन नीचे में डाउनसाइड में एक बार 3260 तक हो सकता है कि देखने को मिले, जिस तरीके से कल भी बाजार जो है दबाव में रहा था, और अभी एक्सपायरी भी काफी नजदीक है, तो अभी अब हम नेक्स्ट वायदा में देखें तो अभी 3300 के पास ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट। तो जो नीचे में 3280-3260 मैक्सिमम डाउनसाइड लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि मार्केट यहां तक चला जाए, वहां से वापस से तेजी बनेगी, और ऊपर में 3500 का अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लेवल्स देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे काफ़ी शानदार तेजी बंदी नजर आ रही है, चाहे हल्दी हो, जीरा हो या धनिया हो। धनिया 9500 पर, हल्दी 10500 पर, और जीरा 17000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको क्या लगता है क्या अब नए साल की शुरुआत में यहाँ पर मसालों की एक्सपोर्ट डिमांड कुछ पिकअप होती शुरू हो सकती है? देखिए, ऑलरेडी नए साल में एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है, और अभी जो बेमौसम बारिश हुई है अभी इसकी वजह से भी काफी जगह पर क्रॉप डैमेज हुई है, और मसालों में स्पेशली जीरे के अंदर इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से जीरे में लगातार तेजी देखने को मिली है, और धनिया में भी डैमेज देखने को मिला है, और उसकी भी कीमतों में तेजी आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर मसालों की क्रॉप के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, फसलें खराब हो सकती हैं, और आगे कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो मसालों में बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए, हर करेक्शन के अंदर इसमें बाइंग करना चाहिए। मुझे लगता है धनिया, जीरा और हल्दी तीनों ही अब नए हाई को छूते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट वायदा की अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मसालों के अंदर मिल सकती है। जी रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में देख रहे हैं कि कल शाम होते होते अच्छी रैली बनी थी, वो रैली देख रहे हैं कि आज भी कंटिन्यूएशन में है। ग्वार गम 11400 के ऊपर है, वहीं ग्वार सीड 6300 के ऊपर। आपको क्या लगता है क्या आज ग्वार गम और ग्वार सीड में ऊपरी सर्किट लगेंगे या फिर यहां से करेक्शन बनेगी? देखिए, छुटमुट करेक्शन हो सकता है, आ सकती है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। ग्वार के अंदर डिमांड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, अगर इन लेवल्स के ऊपर डिमांड नहीं निकलती तो थोड़ा करेक्शन में मार्केट जा सकता है, फिर निचले स्तरों से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सीड में 6500 का टारगेट, और गम के अंदर आप मान के चलिए कि अभी जो 11500 के आसपास फेब्रुअरी वायदा देखने को मिल रहा है वो 12000 तक ऊपर में जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा देख रहे हैं 6450 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि सोयाबीन काफ़ी समय से धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन 6300 का लेवल अभी भी टच नहीं कर पाई है, जो हमने करेक्शन पहले आती हुई देखी थी उसके बाद से देख रहे हैं 6400 के ऊपर है, लेकिन 6500 का लेवल टच नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन में यहाँ से 6500 का भी लेवल देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, और सोया खली की भी जो कीमतें हैं वो भी उछाल मार रही हैं? देखिए, बिल्कुल अभी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से सोयाबीन में 6500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं,
और अभी आज भी 6,650 के आसपास है। हल्की फुल्की करेक्शन जरूर आज सुबह की कारोबारी सत्र में दिखा रहा है मार्केट, लेकिन विदेशी बाजारों में तेजी आ रही है और उसका असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। इसी के चलते हमने देखा कि 6,300 के आसपास जो सोयाबीन पिछले 2 दिन पहले थी, अभी आज 6,650 के आसपास देखने को मिल रही है। सॉरी माफ कीजिएगा, 6,450 के आसपास देखने को मिल रही है। तो अभी जनवरी वायदा जो है इसका ऊपर में एक्सपेक्टेड है। देखिए एक्सपायरी भी है, तो उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो 6,400 से लेकर 6,500 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है। 6,680 तक तेजी पकड़े और वहां से एक करेक्शन आती हुई दिखाई दे, क्योंकि एक्सपायरी है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा अब यहाँ पर बाजार सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास बाजारों में एक्सपायरी आती हुई दिखाई दे सकती है। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 6,680 और 6,600 का स्तर एक बार छू सकता है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, हमारे साथ दर्शक जुड़े बहुत सारे जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि सरसों को लेकर ज़्यादा सवाल हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरसों की नई आवकें मंडियों में आने वाली है, लेकिन रूपा जी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो बारिश हुई है उससे आपको क्या लगता है, सरसों की फसल को, ये सरसों की फसल के लिए अच्छे साबित हो सकती है ये वाली बारिश, जो बेमौसमी बारिश देखने को मिल रही है इस समय, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंडियों में जो अराइवल्स हैं वो थोड़ी और लेट हो जाएं? देखिए बिल्कुल, अभी जो ये ओलावृष्टि भी कई जगह पर देखने को मिली है, जिसका सीधा असर सरसों के ऊपर पड़ा है और सरसों के काफी फूल जो है वो झड़ते हुए कई मंडियों में दिखाई दिए हैं, कई खेतों में। और ऐसे में हर एक जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि फसलों को काफी डैमेज देखने को मिला है, काफी जगह पर काफी गांव के अंदर जो है सरसों पे जो ओलावृष्टि की मार पड़ी है उसका सीधा असर सरसों की फसल के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है और काफी क्रॉप जो है वो डैमेज हो गई है। कुछ कुछ जगहों पर तो 80% तक का नुकसान बताया जा रहा है कि सरसों की फसल डैमेज हो चुकी है। ऐसे में अब देखिए, अगर फसल खराब होती है और सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली प्राइसेस को एक बूस्टअप मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और आगे चलकर हो सकता है कि सरसों की कीमतों में तेजी देखने को मिले, वो भी अगर किसी के पास अच्छी क्वालिटी की सरसों है तो उसके प्राइसेस बूस्टअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो काफी असमंजस की स्थिति है, काफी जगह पर सरसों की फसल पर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है और काफी जगहों से नुकसान होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये कहना कि प्राइसेस कहां जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी आंकलन निकल कर आने दीजिए कि एक्चुअल में कितनी क्रॉप डैमेज हुई है, उसके बेस पर ही कहा जाएगा। और अभी फिलहाल जो जो स्थिति करंट की बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके चलते मान सकते हैं कि अगर डैमेज होता है क्रॉप को, अगर नुकसान होता है तो आगे चलकर कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी ये सर जी, बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन को लेकर भी काफी सारे सवाल हैं जिन दर्शकों के आ रहे हैं हमारे पास। ज्यादातर दर्शकों का ये सवाल है कि अभी कॉटन रोक के चले या बेचकर? देखिए बेचना चाहिए इन स्तरों पर भी, अच्छे लेवल्स हैं, आप ज्यादा माल होल्ड ना रखें, क्योंकि देखिए करेक्शन कभी भी ड्यू हो सकता है। अब जो तेजी है वो छुटमुट तेजी है कपास के अंदर, बहुत ज्यादा लंबी तेजी कॉटन में आप ना मान के चलिए, क्योंकि ऑलरेडी अपने डबल प्राइसेस पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छी कीमतें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, छुटमुट तेजी बनी रह सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन अभी इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करके निकलने में ज्यादा समझदारी होगी। थोड़ा बहुत रोक लीजिए अगर प्राइसेस ज्यादा ऊपर जाते हैं, लेकिन अभी जो तेजी है वो 10 से 15 दिन की मैक्सिमम और अपसाइड हमें लगता है कि बनी रह सकती है। आगे चलकर करेक्शन आ सकती है और वो करेक्शन कितनी होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार कीमतें बढ़ी हैं तो उसके मद्देनजर करेक्शन भी बढ़ सकती है। आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, मेरे हिसाब से अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक है जिनका सवाल तुअर दाल को लेकर आ रही है, जानना चाह रहे हैं अगर तुअर में कैसा रुझान रहेगा। रूपा जी देख रहे हैं कि सरकार ने तुअर का आयात भी किया है, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट भी है दालों का, और अभी भी बातचीत चल रही है कई देशों से भारत सरकार की कि दालों का आयात और किया जा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या दालों की कीमतें आगे और गिरती नजर आएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं रिटेल में तो कीमतें कम नहीं हुई है लेकिन किसानों को कीमतें जरूर कम मिल रही हैं? बिल्कुल, अभी प्राइसेस और नीचे जाते हुए दिखाई देंगे, जिस तरीके से इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि कीमतों के ऊपर दबाव बना रह सकता है। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कीमतें जो है इन्हीं रेंज के बीच में घूमती हुई दिखाई देंगी, ज्यादा ना तो तेजी आती हुई दिखाई दे रही है ना ही कोई बहुत ज्यादा यहाँ से करेक्शन आएगी। लेकिन हाँ, बाजार में उठाव नहीं है, यहाँ पर प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हुए फिलहाल दिखाई नहीं देते हैं, दबाव में ही मार्केट बना रह सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज आप?
देखिए आज इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में अखिलेश अगर टॉपिक की बात करें तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर ही बाइंग में रहना चाहिए। मसाले अच्छी तेजी दिखा सकते हैं, मसाले के साथ साथ ग्वार में भी आज मुझे लग रहा है कि उठ जाएगा मार्केट एक बार, तो ग्वार के अंदर भी अगले वायदा में अभी पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। तो मसाले और ग्वार इन कमोडिटीज के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार और मसाले ये दो कमोडिटीज ऐसी हैं जो आज आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए व्यस्त नहीं, लेकिन आपका जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।